हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। लास्ट हम लोगों का क्या टॉपिक था? आई थिंक हमने टाइप्स किए थे फीजन के। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप्स कर रहे थे, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप बात करते हैं, बडिंग का। बडिंग क्या होती है आप लोगों को थोड़ा बहुत टेंथ में अगर थोड़ा बहुत याद हो तो बडिंग मतलब बड की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एक यीस्ट का एग्जांपल पढ़ा होगा, हमारी जो यीस्ट होती है उसमें से क्या होता है, एक छोटा सा बड अराइज होता है, छोटा सा बिल्कुल, और वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक क्या बना लेता है, अलग डिटैच होकर ग्रोथ शो करके एक एक नया डॉटर ऑर्गेनिज्म बना लेगा, जो बिल्कुल कैसा होगा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होगा। हमने बात की थी ना कि भाई जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो क्लोन्स होते हैं, जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, इनको सिंगल पेरेंट यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बड़ी क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी से छोटा सा बड राइज होगा, पेरेंट से वो डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और वो अपनी बॉडी को इंक्रीज करके बिल्कुल सेम अपने पेरेंट जैसा दिखने लग जाएगा। इस तरह से उनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब बडिंग के जो टाइप्स होते हैं, बडिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो होती है एक्सोजीनस और एक होती है एंडोजीनस। देखो एक्सो मतलब आउटसाइड, एक्सो का मतलब ही होता है आउटसाइड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस को हम लोग आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल बडिंग भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं इसको एक्सटर्नल बडिंग भी, क्योंकि इसके अंदर जो बड होगा वो एक्सटर्नली डेवलप करेगा पेरेंट बॉडी के। जैसे अभी यीस्ट की बात की थी, यीस्ट एग्जांपल हो गया एक्सोजीनस बडिंग का, हमारा जो हाइड्रा होता है, यीस्ट तो सब जानते हैं क्या होती है, फंगस होती है, यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस होती है ना। अच्छा हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, हाइड्रा हमारे किंगडम एनिमालिया से बिलोंग करता है, और जो इसका फाइलम है वो क्या होता है, सिलेंट्रेटा होता है हाइड्रा का। ठीक है, याद आ गया होगा आप लोगों को 11th का ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन में। तो हाइड्रा जो होता है उसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, तो इसमें जो बड अराइज होगा बिल्कुल पेरेंट बॉडी के जैसा ही छोटा सा बड इस तरह से अराइज करेगा पेरेंट बॉडी के बाहर की तरफ एक्सटर्नली, इसलिए इसको एक्सटर्नल बडिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बड अराइज होता है वो पेरेंट बॉडी के आउटसाइड एक्सोसाइड में होता है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया, ये शो करते हैं एक्सोजीनस बडिंग, जबकि एंडो मतलब इनसाइड, इसमें जो बड बनेगा वो पेरेंट बॉडी के अंदर बनेगा, जैसे इसलिए हम इसको इंटरनल बडिंग भी बोल देते हैं, इंटरनल बडिंग भी बोल देते हैं हम इसको। एग्जाम्पल जैसे स्पंजिला हो गया, स्पंजिला स्पंजेस नाम से पता चल रहा होगा कि स्पंजेस मतलब फाइलम पॉरीफेरा, किंगडम एनिमालिया, फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं ये। ओके, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से करता है ये हमारा स्पंजिला होता है, इस तरह से इसकी बॉडी के अंदर एक जेम्यूल अराइज होता है और वहां पर छोटे छोटे आर्कियोस्पोर्स बन जाते हैं उसके अंदर, मतलब छोटे छोटे से बर्ड अराइज हो जाते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आते हैं तो ये जो इसका जो जहाँ से निकलते हैं इसको माइक्रोपाइलेट बोलते हैं, यहाँ से बाहर निकल के नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। बात क्लियर है, तो बडिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप हमारा हो गया तुम्हारा रीजनरेशन, और एक फ्रेगमेंटेशन, गैमा फॉर्मेशन, तीनों को ही हम लोग साथ में कर लेते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं है ये। ठीक है, रीजनरेशन हमारी जो है शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट मतलब फिर से जनरेट करना, मतलब अगर इसमें किस बॉडी का छोटा सा जो पार्ट होगा, फ्रेगमेंट होगा, वो रीजनरेट कर जाएगा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से छोटा सा पार्ट निकल गया तो उस फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, रीजनरेशन के अंदर। ओके, तो जैसे वैसे रीजनरेशन में एक फ्रेगमेंट से पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म हो जाती है, और कई बार ऐसी होता है कि वो लॉस्ट पार्ट रिपेयर कर जाते हैं, जैसे आप लोग देखते हो लिजर्ड के अंदर, लिजर्ड जो अपनी टेल है वो छोड़ देती है, अपने आप ही छोड़ देती है वो अपनी टेल को, जिसको हम लोग एब्डिसिस का नाम देते हैं, टर्म है एब्डिसिस।
लेकिन आप अगर कुछ टाइम के बाद देखो तो उसकी टेल अपने आप राइज हो जाती है, रीजनरेट, ठीक है। लेकिन ये हर कहीं नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि वो अपने पैर को अपने उसका पैर कट जाए तो पैर राइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस पार्ट के अंदर जो पार्ट रीजनरेट करता है उसके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, रीजनरेटिंग कैपेसिटी, जेनेटिक्स में आप सारा जीन्स का खेल है। एक्चुअल में अगर हमारा कोई कैरेक्टर है, मेरे अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है या है तो बिकॉज ऑफ द जीन्स, ठीक है। तो जीन्स अगर नहीं है उसके अंदर किसी कैरेक्टर लिए तो कोई आप वो कैरेक्टर आ ही नहीं सकता, अगर जीन्स नहीं है तो। जीन्स हैं तो कैरेक्टर आएगा, तो सारा का सारा जीन्स का है। रीजनरेशन तभी होगा जब उसके अंदर रीजनरेटिंग कैपेसिटी होगी और रीजनरेटिंग कैपेसिटी के लिए जीन्स होंगे, ओके, तभी रीजनरेशन होता है। अच्छा, बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो ज़्यादातर होती है वो तुम्हें फंगस के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे हमारी जो फंगस होती है वो क्या करती है, फ्रेगमेंट्स भी टूट जाती है इस तरह से। और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, हर एक फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन, गैमा फॉर्मेशन जनरली हमें देखने को मिलती है जो हमारे लोअर प्लांट्स होते हैं। लोअर प्लांट जैसे ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, ये हमारे लोअर प्लांट्स होते हैं। मार्किंशिया, लिवरवॉर्ट्स याद होगा 11th में, लिवरवॉर्ट्स, मार्किंशिया, हमने ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स भी पढ़े थे। उनके अंदर एक वो ग्रीन लाइक कप जैसी स्ट्रक्चर पड़ी होगी तुमने, एक प्लांट जैसी लीव जैसी दिखती है, वो गैमा फॉर्मेशन के थ्रू वहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं वो, करेक्ट। अगर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ चुकी होती है, लेकिन अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर ज़्यादातर गैमा फॉर्मेशन होती है ना, ये चीज़ पढ़ी होगी आप लोगों ने, ओके। अच्छा, एक और चीज़ होती है हमारी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं, थिन बोल्ड, छोटे छोटे टाइनी टाइनी प्रोपेग्यूल्स होते हैं स्पोर्स जो होते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन ज़्यादा ये जो होती है ना ये फंगस के अंदर होती है, जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फंगस के अंदर होती है, ठीक है। तो ये स्पोर्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे एक है हमारे पास जू स्पोर्स हो गए, हमारे कॉनिडिया हो गया, हमारा स्पॉन्जियोस्पोर्स हो गए, हमारा ओइडिया हो गया, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, बट डिफरेंस क्या है इनकी स्ट्रक्चर या फिर इनकी रिप्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसके अंदर। जैसे जू, अच्छा अगर कोई मुझसे 11th में भी किसी ने मेरे लेक्चर लिए होगी तो जू का मैंने बताया था, अगर कहीं पे जू आ रहा है इसका मतलब कि वो जो चीज़ है वो मोटिलिटी शो करेगी। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, जिसमें वो अपनी एक्टिव एनर्जी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, खुद की एनर्जी वेस्ट होगी उसमें। वो होते हैं एक्टिव, जो अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो वो मोटिलिटी जिसमें खुद की एनर्जी वेस्ट होके तब वो मूवमेंट शो करता है, दीज आर द मोटाइल। नॉन मोटाइल जिसमें खुद की मूवमेंट नहीं होती है, हाँ अगर कोई पानी उसको बहा के लेके जा रहा है या हवा उड़ा के लेके जा रही है वो बात अलग है, मोटाइल मतलब मूव करना अपनी एनर्जी से। तो जू स्पोर्ट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब मूवमेंट शो करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। तो जू स्पोर्ट्स हो गए, कॉनिडिया जो है, जो पेनिसिलियम का नाम सुन रखा होगा आपने, ये सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं, ये खुद से मूव नहीं कर सकते हैं अपनी एक्टिव एनर्जी वेस्ट करके, ठीक है। तो पेनिसिलियम का नाम सुना होगा, उसके अंदर कॉनिडिया होता है। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि जो पेनिसिलियम है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, कॉनिडिया के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है उस पर छोटे छोटे इस तरह से स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो एक स्पोर है वो अलग हटके एक नई डॉटर ऑर्गेनिज्म, एक डॉटर बॉडी बना लेता है, ठीक है। स्पॉन्जियोस्पोर्स में क्या होता है, कप शेप्ड होती है स्ट्रक्चर, इस तरह से इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे बहुत सारे, और फिर फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये अलग निकल के एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, ठीक है। और या जो होती है वो किस तरह से होती है, पेरेंट बॉडी होती है और बीच में फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और बीच के फ्रेगमेंट्स निकल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब दीज ऑल आर द टाइनी प्रोपेग्यूल्स जिसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अदरवाइज रिप्रोड्यूस करने का मेथड सेम होता है, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, स्ट्रक्चर अलग होगी, उनका टाइप अलग होगा, करेक्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप ही होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए
बाय। अगर आपको यहाँ तक के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग शेयर कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।